हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीनास किचन। आज मैं आपके लिए घी राइस की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। घी राइस हम वेज और नॉन वेज करी दोनों के साथ ही ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। घी राइस के लिए हमें मैंने यहाँ पे ये देखिए बिरयानी राइस ली है। आप चाहे तो बासमती राइस ले सकते हैं। मैंने 2.5 ग्लास राइस लिया है। इस ग्लास में मैंने मेशर किया है राइस को। अब मैं इसे अच्छे से, इस राइस को अच्छे से धोकर स्ट्रेनर में डालकर रख दूंगी। मैंने 2 टेबलस्पून घी डाल दिया है कढ़ाई में। अब इसमें नट्स और किशमिश डालकर अच्छे से फ्राई करना है। मीडियम लो फ्लेम में हमें फ्राई करना है। अब नट्स और किशमिश को एक प्लेट में डाल देते हैं। ये सब गार्निशिंग के लिए हम रेडी कर रहे हैं। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज प्याज लिए हैं, अच्छे से फाइनली स्लाइस कर दिया है। अब हमें ये फ्राई करना है। इसमें से थोड़ा सा प्याज मैंने निकाल के रख दिया है। प्याज को अच्छे से फ्राई करना है, डार्क ब्राउन कलर होने तक हमें फ्राई करना है। ये देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और डार्क ब्राउन होना है। ये देखिए रेडी है, परफेक्ट कलर है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गार्निश करने के लिए सब रेडी है। अब हम ये देखें, दालचीनी 3-4 है पीस है, लौंग है और 4 इलायची है। मैं इसे 2 टेबलस्पून घी में अच्छे से फ्राई करूंगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छे से सॉटे करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा प्याज डाल देती हूँ। इसे भी अच्छे से सॉटे करना है। ये देखिए छोटा सा पीस अदरक है, मैं इसे अच्छे से क्रश कर देती हूँ और इसमें डाल देती हूँ। इसे भी अच्छे से हमें सॉटे करना है। मीडियम लो फ्लेम पर हमें सॉटे करना है, नहीं तो मसाला जो हम बना रहे हैं ये जल भी सकता है। इसमें अब हम 5 ग्लास पानी डाल देंगे। 2.5 ग्लास राइस के लिए 5 ग्लास पानी, बिल्कुल डबल क्वांटिटी हम पानी लेंगे। इसमें डाल देते हैं। इसमें अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे ढककर हम पानी को उबालेंगे। ये देखिए पानी उबल चुका है। इसमें अब मैं चावल डाल दूंगी। पूरा चावल हम डाल देंगे और अब अच्छे से हिलाकर मिक्स करना है। इसमें मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। 1 नींबू का रस है। ये इसलिए डाल रहे हैं ताकि
चावल चिपके नहीं, अच्छे खिले खिले चावल बनेंगे। और 2 टीस्पून घी भी डालना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, घी डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर भी बढ़ जाता है। ढककर कुक करना है, बीच बीच में देखकर हिलाना है। अच्छे से हम हिला देंगे। और फिर से इसे ढककर हम कुक कर लेंगे। ये देखिए, अब पानी का क्वांटिटी कम हो चुका है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। अब इसी में, इस बर्तन में ही राइस कुक हो जाएगा। मैंने 10-15 मिनट बाद देखा तो ये देखिए, राइस बिल्कुल परफेक्ट कुक हो चुका है। इसमें मैंने जो फ्राई किया था प्याज वो डाल देती हूँ, और नट्स और किशमिश। बाकी हम थोड़ा बचा के रखेंगे गार्निशिंग के लिए। और इसे फिर से हल्के हाथ से हम राइस मिक्स कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हमें मिक्स करना है। दो टीस्पून और घी हम डाल देंगे। ये रेडी है। घी राइस को हम सर्विंग प्लेट में डाल देते हैं। जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।